सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं ताकि हम ये कन्फर्म हो जाए कि हमें यही बीमारी है या फिर इससे मिलती जुलती कोई और बीमारी है। सबसे पहले अगर हमें इसको डायग्नोस करना है तो हमें प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम घर बैठे इसको डायग्नोस नहीं कर सकते। हमारा जो प्रैक्टिशनर है या फिर एक्सपर्ट है वो हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, हमारी फैमिली हिस्ट्री कि हमारे परिवार में पहले किसी को ये दिक्कत तो नहीं थी, हमें एग्जामिनेशन में डालता है कि हमारी बीपी पल्स हमारा कैसा है, हमें कितने दिनों से ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और ब्लड प्रेशर में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। उसके बाद वो आपके सिम्टम्स को अच्छे से देखेगा कि आपको कोई पल्सेटिंग इफेक्ट तो नहीं आ रहा, आपके पेट में ज़्यादा दर्द तो नहीं है, पेट के किस हिस्से में दर्द है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। ये सब चीज़ें जानने के बाद वो इस चीज़ पे पहुँचेगा कि शायद आपको ये बीमारी है। अगर वो इसको रूल आउट करता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है तो उसको कन्फर्म करने के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। उस स्पेसिफिक टेस्ट के बाद हमें ये कन्फर्म होता है कि हमें ये बीमारी है, जिसमें से सबसे पहला टेस्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। हम अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि हमें पेट का इन्फेक्शन ही है या फिर कोई और बड़ी बीमारी है। इसके बाद अगर इसके अंदर भी हमें पता नहीं चलता तो हम सीटी स्कैन कराएंगे या एमआरआई कराएंगे होल एब्डोमिन। इसके अंदर हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि हमारा जो आयोटा है वो डायलेट हो रखा है या नहीं हो रखा। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि इसके साथ कोई हमें इसके आगे पीछे कोई और बीमारी तो नहीं है। और इसके बाद अगर फिर भी हमें कन्फर्मेशन कराना है तो हम और स्पेसिफिक टेस्ट पे जाते हैं जिसका एक नाम है एंजियोग्राफी। इसके बाद हम कुछ पेशेंट्स में इसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं, जैसे अगर सस्पेक्टेड है हमें कि आपके सीटी स्कैन में आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म है तो उसके अंदर हम स्क्रीन आउट करते हैं कि माइट बी ये कोई और कॉज की वजह से ना हो। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर पेशेंट मेल है, वो स्मोक भी करता है बहुत ज़्यादा और वो ओबीस भी है, तो उस कारण के अंदर हम ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पे डाल देते हैं कि हाँ इस पेशेंट को एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन फैमिली मेम्बर्स को भेजें जो कि हार्ट के पेशेंट है, या फिर उनको भेजें जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।